फ्रेंड गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो रही हूँ मैं और मैं जल्दी जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी में, इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी बात करूंगी मैं, क्योंकि पहले मैं कल आपको बताई थी आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे प्लान सक्सेस होते नहीं है, तो सडनली प्लान बन गया हाथरस का। जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, पुप्पी की लड़की को, जेबा नाम है जिसका, तो मैंने उसको बोला कि मैं आऊँ अभी, गली बाजी अभी हम लोग हाथरस जा रहे हैं, तुम हाथरस चलो। तो मैंने कहा अभी, अरे हाँ अभी एक घंटे में निकलना है। मैंने कहा अरे बाबा एक घंटे में निकलना है, फिर जल्दी से जो हाथ में, पहले तो मैंने कपड़े जो समझ में आए निकाल लिए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि किसका दुपट्टा मैच करना है, कौन सा पहनना है। मैंने कहा जाने देते रास्ते में, तो मैंने ये ड्रेस पहन लिया। ठीक है, पहले तैयार हो जाती हूँ, उठा ही हो रहा हूँ, क्योंकि वो निकल जाएगी तो फिर मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वो जाती रहती है, उसको सब आइडिया है, मेरे को नहीं आइडिया इतना। तो जो सामान हाथ रख रहा है, लग रहा है, वो मैं ले रही हूँ। मेकअप में जो डब्बा है पूरा उसको रख लूँगी, छाटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि क्या ले आना है क्या नहीं ले जाना। हाँ सनस्क्रीन ले आनी, सनस्क्रीन कहाँ गई, सनस्क्रीन लगानी भी है, ले जानी भी है, क्योंकि धूप बहुत है। असल में आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से हाथरस क्यों निकल रही हूँ, क्योंकि हाथ वहाँ पर ना मेला लगा हुआ है। मुझे जेवा ने बताया कि बाजी मेला लगा हुआ है, मेला देखने जा रहे हैं। उनकी अरे अल्लाह सच्ची की बात होगी, मैंने कब से हाथरस गई भी नहीं हूँ। मेरा जन्म स्थान है हाथरस, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, और वो घर भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी मैं, कि जिस घर में मैं पैदा हुई, मेरा बचपन बड़ा हुआ, मैं यहाँ रही, जो मेरा प्रॉपर ददिहाल है, जो मेरा प्रॉपर दादी का घर है, जहाँ की मैं हूँ प्रॉपर, मैं हाथरस की हूँ। तो अभी मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ, 10-5 मिनट में जो भी जितना चार्ज होगा हो जाएगा, कम से कम बस में बंद तो नहीं होगा, क्योंकि सोहेल को तो बता दी हूँ मैं, पर सोहेल ऐसा ना, मैं भी जा रही हूँ तो वो भी घड़ी घड़ी फ़ोन करेंगे, उनको भी पता है कि ये इस रूट पर मैं गई नहीं हूँ इतने सालों से। तो पहले मैं फ़ोन चार्ज पर लगाती हूँ, फटाफट तैयार होती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मेरी छोटी सी अटी चाहिए, इसमें मैंने दो जोड़े रखे हुए हैं, और साथ का भी रख लिया है, दो जोड़ा मैंने मतलब जान ले लिया है ना, तो एक एक ही जोड़ा है, पर दो जोड़े मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कुछ खाना गिर जाए, गंदा हो जाए, तो भैया एक एक्स्ट्रा रख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरी सनस्क्रीन, परफ्यूम, मेरा मेकअप का डब्बा रख लिया मैंने, क्या इसमें से छाटने में टाइम लग जाएगा, इसलिए ये मेरी पेन का डब्बा है, क्लेचर भी लाई थी, क्लेचर पता नहीं कहाँ गया, ये एक थैला, ये बैग में छोटा है ना, तो इस बैग को इसमें रख लूँगी ताकि कम्फर्टेबली, मतलब जो भी समझ, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं सूटकेस निकालूं, उसको साफ करूं, या कोई ऐसा बैग निकालूं जो चेन वाला, जो टाइम ही नहीं है। तो मेरे हाथ में जो है ये छोटा सा बैग सोइल लेके आई थी, इसमें बैग कर लिया, बाकी मैंने ये झोले में रख लिया। देखो जल्दी वाली शॉपिंग तो जल्दी वाली पैकिंग तो ऐसी होती है, टाइम लेके पैकिंग करो, बार बार शॉपिंग निकल रहा है, टाइम लेके पैकिंग करो, उसमें अच्छे से पैक हो जाता है। अब जल्दी का एक घंटा दिया, एक घंटे में पैकिंग करनी है, तैयार होना है, प्लस जाना है, तो बस बाद में करती हूँ बात। हाथरस जाने के लिए फ्रेंड मैं बस अड्डे पर आ गई हूँ, मेरी बहन से पहले मैं आ गई हूँ, मेरी बहन अभी ऑटो में, वो आ जाए तो पता चलेगा कौन सी बस में बैठना है, फिलहाल मैं उसका वेट कर रही हूँ बस अड्डे पे, पीछे बस खड़ी है बहुत सारी। घंटे के बाद फाइनली फ्रेंड हम लोग को बस मिली है, बस मिल गई है, पर बस के अंदर सीट नहीं मिली है, इसलिए खड़े होकर जा रहे हैं। ये मुंबई नहीं है, मुंबई में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुंबई में, स्त्री, मुंबई में क्या बोलते हैं, सीट पे क्या कर रहा था, महिला सीट में, महिला सीट बोलते हैं ना, महिला साठी, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता नहीं, पुरुष साठी, सब साठी चलता है यहाँ पे, कोई भी बैठ जा। ये देखो पूरी बस भर हुई है, और बहुत लेट हो गया, 3 बजे हम लोग चले यहाँ से, अब वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे जी, वहाँ 5 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, आई होप सो। टेम्पल सीट मिली है फ्रेंड, मैं तो फिर भी बैठ भी गई थी, लेकिन विंडो सीट अब मिली है, जब हम उतरने वाले, हाथरस आने वाला है ना, आने वाला है हाथरस ना फ्रेंड, में आ गए हाथरस, और बच्चों को लगी है प्यास, तो ले रहे सब लोग, चाचा पानी ले रहे सब लोग पानी। ये रही हमारी बस, लोग जिनके घर पे आए, मैं जिनके घर पे आई हूँ, तो ये मेरी दादी का घर है, मतलब मेरी दादी की ननद, तो मेरी भी दादी हुई, और एक ये मेरे दादा है, मेरी दादी के ये भाई हैं,
तो मेरे दादा हुए, तो मैं इनसे काफी साल, कितने साल बाद मिली दादा तुमसे? बहुत दिन बाद नहीं, बहुत सालों बाद, बहुत सालों बाद मिल रही हूँ मैं इनसे। और एक दादी मेरी मरी, और जैन की बहन है, मेरी दादी है ना जैन की बहन है। तो हम लोग अभी इनके घर पे आए, इनका घर क्या बन रहा है, तो काम चालू है अभी, तो इतना हुआ है। और ये मेरी दादी की लड़की है, ये मेरी दादी की लड़की है। और एक दादी मेरी ये रही, कहाँ दिख नहीं रही है, ये एक दादी मेरी ये रही। तो मेरी दो दादी है, मतलब मेरी दादी की दो नंदे दो भाई हैं। तो मैं फिलहाल इनके घर पर ठहरी हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ना तो मैं अपने अल्फाज बयां कर सकती हूँ, ना ही मैं आपको उसकी फीलिंग बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये घर मेरे, हमारा मतलब दादी का घर था, मैं यहीं पैदा हुई हूँ इसी घर में, इस कोठे के अंदर पैदा हुई थी मैं। मतलब कोठा ही बोलते थे ना, अभी भी कोठा ही बोलते हैं। इस रूम के अंदर जो था ना, मेरी अम्मी रहा करती थी। हाँ, खरगोश। तो मैं यहीं पैदा हुई, मैं मेरे भाई यहीं पैदा हुए, यहीं हमारा बचपन बीता है। फिर यहाँ से मेरी अम्मी आगरा शिफ्ट हो गई। लेकिन कहते हैं ना, वो मैं घुसी ना घर के अंदर, कि मैं शायद मैं बता ही नहीं सकती हूँ फ्रेंड, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। एक तो इतने सालों बाद, ज़िंदगी के इतने सारे साल यहाँ रही हूँ मैं। तो वो कहते हैं मतलब रोना जैसा आ रहा है, इमोशनल जैसा, कि वक्त सही बात है, वक्त का कहते नहीं है। हाथरस में पैदा हुई, पढ़ाई लिखाई हुई आगरा में, शादी हुई मुंबई में। तो ये तीन शहरों का सफ़र जो तय किया है ना, लेकिन आज भी जो चीज़ हाथरस में है, उस घर के अंदर है, उसका तो कोई दिल्ली बम्बई कलकत्ता वक्कर नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी अम्मी का ससुराल ही मेरे पापा का घर है, घर था मतलब, अभी तो ये लोग रहते हैं, ये लोगों ने खरीद लिया है। मेरी अम्मी शादी करके इसी घर में आई थी, इसी घर में हम लोग बड़े हुए, पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई इसी घर से हुई है। साथ देख लिया इस घर में, इस कमरे में। हाँ, पाप नाना का, अम्मी जो शादी करके आई थी यहीं आई थी, ये मेरी अम्मी का ससुराल है। तो बस, और मैं सभी लड़के को बोलती थी, मैं दिखाऊंगी तू अपना घर में, जैस घर में हुई थी। बहुत बदल गया, ये दल्लान था, दल्लान मतलब ऐसा दल्लान होता ना, दल्लान बोलते हैं उसको, दल्लान बोलते हैं। ये पूरा ऐसा आंगन था, यहीं खेलते वेलते रहते थे हम लोग, मैं मेरे भाई यहाँ पैदा हुए हैं। अभी आपके यहाँ कुछ काम होता है जी? बिरादर। किसका? बिरादर। इनके घर में खरगोश है, काटते वाटते नहीं है ये? ये खरगोश नहीं है? और खरगोश का बाप इसका, इसका बच्चों का बाप? अच्छा, वो है ना। और तीन बच्चे हैं, एक खरगोश, छह बच्चे दिए। अच्छा, ये खरगोश नहीं, इसकी माँ, ये एक दो बच्चे, ये ना तीन बच्चे हैं। नहीं भाई, दूर रख साथ, नहीं बेटा लगता है, तू बता नहीं, मत क्या कर, आई आई गिर जाएगा साथ। जरा चल वाली यार। हाँ दादी, सलाम अलैकुम, आ जाओ। मैं घर अच्छा बनवा लिया तुमने, क्या खुशबू आ रही है जोरदार, क्या बना लिया? सलाम अलैकुम, पहचानी तो नहीं, सलाम करती, खा रहा, खाना खा रहा है। अच्छा अच्छा, हाय गुड़िया, नहीं गुड़िया ही आई है, गुड़िया तो आई है। अच्छी बात है बहन, बहुत बड़ा मदद से बुला, और नहीं तो क्या। तैयार हो गई? चलो चलो चलो, बच्ची ले ली, दोनों जाएंगे ना, सब लोग जाने से पहले फिर बच्चों को ही सोचते हैं। सही, मेले में बच्चों को लेके घूमना, वो करना मुश्किल हो जाता है। ये मेला भी नहीं देखा है इनने? किसने वो मेला दिखा के ले गई होगी शायद। मेरा सब्सक्राइबर है, कभी कभी कमेंट करता है पर। ये इसके बच्चे, नाम बताओ, आय करो, नाम बताओ, नाम जल्दी, नाम बताओ। नहीं नहीं, क्या दो लड़के हैं ना, क्या नाम है इनका? अयान शिफान, ठीक है। ये अब्बू इनके। जिम मेले में जाने से पहले हम लोग बोल रहे थे कि मतलब जिनके घर हम गए थे, दादी के घर, वो बोल रहे थे खाना खा के जाओगे या आके खाओगे। तो हम सब लोगों ने बोला कि नहीं, हम पहले मेला घूम के आते हैं, उसके बाद आके खाना खाएंगे। और सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे कि सब गिन लो किसके कितने बच्चे हैं, कितने मेम्बर हैं। तो वही सब लोग हम लोग बात कर रहे थे बैठ के।
चलो चोरों से सावधान रहना प्लीज। मेरा वो कहाँ है? खाना खा लो और चोरों से सावधान रहना प्लीज। हाँ वो चोर रहते हैं, पर्स में आगे डाल दिया इस तरह से। अब हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, फ्रेंड इतने सारे लोग जा रहे हैं, कोई खो मत जाना। बस एक सब बच्चों का ध्यान रखना भैया, बच्चों को कह रही हूँ साथ, मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ना, कोई भी चीज देखे इधर उधर चले मत जाना। आतिफ तू भी ठीक है, चलो तुम खाना खा लो क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, मेंबर भी बहुत सारे हैं। और जब मेले में तो पता ही आपको चोरी चकारी का ऑर्डर रहता है, तो मैंने तो पर्स अपना आगे टांग लिया है, सब पकड़ के चलूंगी मैं। और मोबाइल भी ले आना जरूरी है, अगर मोबाइल में घर छोड़ जाऊंगी तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी, मसला ये भी है। तो वही सब मैं बोल रही हूँ कि बच्चे सब ध्यान रखना, कहीं दूर जाना नहीं, इधर उधर भटक के तो ढूंढने में लग जाएंगे, बच्चों को पता तो है नहीं आता रास्ता। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड लेती हूँ। कौन है बताओ, इनकी लड़की भी रास्ता भूल गई, वो तो फिर भी देर लगती है ना ढूंढने में रास्ता उसका। हाँ अरे हम लोग को आ रहे हैं। तो ना मैं इस ब्लॉग की एंडिंग यही लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल आपको नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी जो मैं मेले से करूँगी। और हम लोग यहाँ पे आए ना मेला देखने ही आए, यह साल में एक बार लगता है क्योंकि बीच में खत्म हो गया था दादी मेला, लॉकडाउन में लगा था। आप में पापा क्या करते, नहीं वो मेला नहीं होगा, कोई और से मेला होगा। पापा को लगता था बंद हो गया है ना, तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, लॉकडाउन के बाद ही अब खुला है। तो बस हम लोग मेले में जाके एंजॉय करते हैं, नया ब्लॉग में मेले में ही स्टार्ट करूंगी। और बस आप दुआ रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैं हाथरस से, आगरा से हाथरस आ गई हूँ, मुंबई से आगरा आई, आगरा से हाथरस आ गई हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बच्चे बहुत सारे हैं, दुआ रखना, दुआ करना सारे बच्चे एक साथ रहे, मेले में जा रहे हैं। कुंभ का मेला नहीं बने, क्या नहीं बोले, क्या नहीं, कौन सा मेला होता है वो, कुंभ का मेला होता है, इसमें खो जाते हैं, अल्लाह ना करे टचवुड ऐसा ना हो, कोई बच्चे सब साथ में जा रहे हैं, गिन लेना मेंबर, फिर भी 20-25 तो होंगे। अपने अपने बच्चों का सामान रखना, ये मत बोलना कि मेरे बच्चों को नहीं देखेंगे, हम लोग अपने अपने बच्चों को देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, नए ब्लॉग का वेट करना, बहुत अच्छा ब्लॉग डालूंगी इंशाल्लाह, और कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। ये इतने सारे ये मेंबर आधे मेंबर ने दाल चावल खा रहे हैं, ये भी आधे, मैं आके खाना खाऊंगी, कितने बिरयानी खा ली थी मैंने। चलो साथ आएगा, हाथ में छोड़ना।